मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ। संघर्ष टू के लिए सबसे पहले पवन सिंह खड़ा है। संघर्ष टू में भी मेहनत की गई है और हर हर गंगे में भी की गई है, तो आप लोग दोनों मूवी को बड़ा बनाइए, दोनों मूवी पर आशीर्वाद दीजिए। आप पवन सिंह जी के जितने भी टीम में मेंबर हैं सभी संघर्ष टू का तारीफ कर रहे हैं, वहीं खेसारी लाल यादव जी के टीम की तरफ से कोई भी हर हर गंगे के लिए ना कोई पोस्ट देखा है ना कुछ बोले हैं, क्या सोचते हैं सब चीज़ों के बारे में? ऐसे न मुँह चमकौला से हो कि न चबे की खाली झमकौला से हो। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा देने वाले म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और एच न्यूज़ को देखने वाले जितने भी हमारे परिवार हैं, घर के सदस्य हैं, हमारे ऑडियंस हैं, सबको आप सबके छोटे भाई प्रियांशु सिंह प्यार भरा नमस्कार। भैया झमकौला से हो गाने का लॉन्चिंग है और आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्या गाना चाहेंगे? बहुत अच्छा गाना है और बहुत अच्छा लिखे हैं हमारे रोशन भैया, छोटे बाबा भैया संगीत दिए हैं जी। बहुत अच्छा गाना, हमको पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हर हर गंगे का ट्रेलर भोजपुरी दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और इस मूवी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत फाड़ू ट्रेलर है और बहुत ही अच्छी मूवी है। बहुत सारी चीज़ें जो शूट की गई हैं वो ट्रेलर में रिवील नहीं किया गया, आप लोग मूवी देखेंगे तो बहुत क्या ही बता सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। जब आप ये ट्रेलर देखें तो इसमें क्या ऐसा खास लगा जो इस फिल्म को और ज़्यादा बेहतर बनाता है? हम तो खुद ही शूट पे थे ना, तो हमको एक एक चीज़ पता है कि इस मूवी में क्या क्या चीज़ें हैं जी। तो देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ट्रेलर तो इतना धमाकेदार है ही जी। भोजपुरी दर्शक क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि सब लोग मेहनत किए हैं, आप सबके पावर स्टार धूप में उस टाइम जिस टाइम पे शूट मूवी हुई थी उस टाइम इतना कड़ी कड़ी धूप में वो मेहनत किए हैं, एड़ियाँ सेके हैं वो भी इतना, एकदम क्या ही बताएं, पसीने से लथपथ रहते थे, शरीर पूरा जलता था, पूरा काला काला एकदम धूप से ऐसा हो गया था। मेहनत किए हैं, आप लोग फिल्म को प्लीज़ देखिए। कुछ दिन पहले गाना आया था तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, आपका म्यूजिक दिख रहा था एक हिंदी सॉन्ग में और उतने बड़े लेवल का गाना में, कितना मुश्किल रहा और कितना मेहनत भरा रहा, कुछ बताना चाहेंगे अपने दर्शकों? मेहनत बहुत किया गया है उस गाने के लिए और उस गाने को सुनने के बाद ऑडियंस खुद बोली जी कि नहीं कि बहुत अच्छा गाना है और मेहनत हुआ है, और हम लोग को रोज़ सीखना है और रोज़ मेहनत करना है, हमेशा कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मनोरंजित कर पाएँ, चाहे जब तक कर पाए। साथ में आपकी ही भी खूब चर्चा हो रही थी कि क्या म्यूजिक दिए हैं प्रियांशु सिंह जी एक अलग लेवल का और लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए इस गाने को। बिल्कुल बिल्कुल। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहें? अपकमिंग प्रोजेक्ट यही है कि देवी गीत हम लोग शूट करके रखे हुए हैं और लोकगीत बहुत सारे गाने हैं जो कि आएंगे आप लोगों के बीच, बस प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, बैक टू बैक जैसे हिट करा रहे हैं ऐसे कराते रहिए। आपके म्यूजिक पे पावर स्टार पवन सिंह जी के कितने देवी गीत आने वाले हैं? आएंगे चार पांच गाने, पांच गाने कम से कम तो आएंगे ही आएंगे। बहुत सारा कंट्रोवर्सी से हटकर आज पावर स्टार पवन सिंह जी संघर्ष टू लेकर को लेकर बड़ी बात कह दिए, खेसारी लाल यादव जी को लेकर बड़ी बात कह दिए कि वो मेरा छोटा भाई है, वो ट्रेंडिंग स्टार है और मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ, संघर्ष टू के लिए सबसे पहले पवन सिंह खड़ा है। बिल्कुल वो बोले हैं और उनके छोटे भाई हैं, हमारे बड़े भैया हैं, बड़े भैया बोलता हूँ उनको जी। और वो भी मुझे प्यार करते हैं और उनकी मूवी है संघर्ष टू, आप लोग संघर्ष टू को देखिए। एक कन्फ्यूजन है, दोनों मूवी सेम डेट में रिलीज हो रही है तो क्या दिक्कत है जी? दोनों मूवी देखेंगे लोग जी। कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे फिर पवन जी और खेसारी जी में विवाद होगा कि सेम डेट पर ही रिलीज करना, ऑडियंस इधर उधर भड़कना, ये सब। आज से पहले मूवी ना सेम डेट ये रिलीज की जा रही है, इससे पहले कितने सारे गाने जो कि सेम डेट पर रिलीज हुए जी। देखिए जो जिसमें अच्छाई होगी वो चलेगा ही चलेगा जी। जिसमें मेहनत है वो चलेगा ही चलेगा जी। बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। संघर्ष टू में भी मेहनत की गई है जी। और हर हर गंगे में भी की गई है, तो आप लोग दोनों मूवी को बड़ा बनाइए, दोनों मूवी पर आशीर्वाद दीजिए। संघर्ष टू को लेकर क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष टू भी अच्छी मूवी है, मैंने तो बताया तो जी। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं, आप पवन सिंह जी के जितने भी टीम में मेंबर हैं सभी संघर्ष टू का तारीफ कर रहे हैं, वहीं खेसारी लाल यादव जी के टीम की तरफ से कोई भी हर हर गंगे के लिए ना कोई पोस्ट देखा है ना कुछ बोले हैं, क्या सोचते हैं सब चीज़ों के बारे में? बिल्कुल हम देखिए हम लोगों की मानसिकता है कि सबको ही आगे बढ़े और भोजपुरी समाज आगे बढ़े, और वो लोग अगर हर हर गंगे के लिए वो लोग नहीं बोले हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग भी बोलेंगे। हम लोगों की मानसिकता ऐसी नहीं है कि अपनी प्रमोशन करें किसी को नीचता दिखाएं, बिल्कुल
हर हर गंगे मूवी अच्छी है, संघर्ष टू भी अच्छी है, दोनों मूवी का आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस जाते जाते इतना ही बोलना चाहेंगे कि जैसे एल्बम को हम सारे गाने को प्यार आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं बैक टू बैक, तुझे ना देखो तो चैन, दिल में जगह देवे के बोला काले बू हो, कलकतिया राजा, पियर फराक वाली, तमाम सारा ढेर सारा भी गाना बनकर रखल बजन की रिलीज करेगा बा। हाँ ये तब रिलीज बा, बाकी कौन है कि बहुत बहुत सारा रिलीज करेगा। एक और बात, झमकौला से हुई डायलॉग और वो गाना दोनों हो जाए आपके। झमकौला से हुई अंदाज में वो लाइन क्या था भैया झमकौला से हुई का? ऐसे न मुह चमकौला से होई कि न चबे की खाली झमकौला से होई। वाह, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू सबको, प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। तो दोस्तों अभी हमारे साथ थे म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह जी, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।